लखनऊ के इमामबाड़ों में अब शालीन कपड़ों में ही प्रवेश मिलेगा। लखनऊ के डीएम और शिया समुदाय के बीच बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। छोटी स्कर्ट और टॉप या भड़काऊ कपड़े पहनने पर इमामबाड़े में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। लखनऊ के इमामबाड़े में छोटे कपड़े पहनकर दाखिल होने पर प्रशासन ने रोक लगाई। लखनऊ के इमामबाड़ा घूमने पहुंचे कई लोगों ने फैसले पर नाराजगी जताई। पहले से मिली शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया। इमामबाड़ा ट्रस्ट ने एंट्री को लेकर गाइडलाइन की मांग की थी। अश्लीलता की शिकायत के बाद गरिमामय कपड़ों में ही एंट्री का फैसला लिया गया। इमामबाड़े में ट्राइपॉड और वीडियो कैमरे पर भी पाबंदी लगी। आज लखनऊ के इमामबाड़ा पहुंचे बहुत से लोगों को गेट से ही लौटना पड़ा। वजह सरकार का ताजा फैसला है। अब से यहां छोटे या ठीक से शरीर को न ढकने वाले कपड़ों में एंट्री पर बना ही है। फैसले का विरोध करने वालों का कहना है कि आदेश थोड़ा तार्किक भी होना चाहिए। लखनऊ के डीएम ने शनिवार को मीटिंग बुलाकर के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अगर छोटे इमामबाड़ा में बड़े इमामबाड़ा में कोई भी घूमने के लिए जाता है तो उसे पूरे प्रॉपर ड्रेस में जाना होगा और साथ ही जो वीडियोग्राफी होती है, जो वीडियो शूटिंग होती है, उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था। कुछ हद तक सही है, पर एक एज निर्धारित करें। अभी हम गेट पे आ रहे थे, 12 साल की लड़की, उसके लिए मना कर दिया अंदर नहीं जाना, तो ये थोड़ा गलत है। कपड़े बदलने की सोच बदलने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको कपड़े छोटे पहनने हैं, फिर ऐसा कुछ करना है तो एज के हिसाब से मेंटेन कीजिए ना, कि 18 साल से ऊपर के लोग या फिर 21 साल के ऊपर के जैसे हैं वो लोग अच्छे कपड़े पहन के या फिर कैसे कपड़े पहन के हैं। इस फैसले के लिए प्रशासन से शिकायत की गई थी। गाइडलाइन में कहा गया है कि 2 सदियों से भी ज्यादा पुराने स्मारकों की पवित्रता को ध्यान में रखकर ऐसे कपड़े पहनकर आने होंगे जिसमें शरीर ढका हो। तो यहाँ पे कई बार कंप्लेन की जाती है लोगों के द्वारा कि इसमें कुछ लोग ऐसे कपड़े पहन के आते हैं जो इनडिसेंट होते हैं। विद इन ए वीक हम लोग इसकी गाइडलाइन भी जारी करेंगे और पर्पस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ साथ थोड़ा सा इस पे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट भी जुड़े हुए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए लोग इसको थोड़ा कदर से लें और इसको पार्क की तरह ना फील करते हुए इसको एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में एक रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे एंटर करें। अल्टीमेटली डीएम साहब ने हमारे उस रिप्रेजेंटेशन में लिखे हुए जितने भी पहलू थे और जितने भी लीगल प्रोविजंस थे उनको फॉलो करते हुए उन्होंने कल एक डिटेल मीटिंग करी और उस मीटिंग में जो डिसीजंस लिए हम उसका बड़ा स्वागत करते हैं। अमेरिका के टैक्सस में प्लेन क्रैश से 10 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कल टैक्सस के एडिसन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट पर हुआ है। उस वक्त प्लेन टेक ऑफ कर रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ। अमेरिका के टैक्सस में एक छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, 10 लोगों की मौत। डलास से 32 किलोमीटर दूर एडिसन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट पर हुआ हादसा। रविवार को करीब 9 बजे दुर्घटना का शिकार हुआ यह निजी विमान। ये 2 इंजन वाला छोटा बीच क्राफ्ट BE-350 किंग एयर विमान था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान विमान में एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। टेक ऑफ करते समय विमान बेकाबू होकर हैंगर में घुस गया जिसके बाद इसमें आग लग गई। आग लगने के बाद ये विमान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि इस प्लेन में कौन कौन लोग सवार थे। आधिकारिक बयान में बताया गया है कि डलास काउंटी मेडिकल एग्जामिनर ने 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। विमान हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और छानबीन भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय हैंगर में कोई और मौजूद नहीं था, वरना मरने वालों की संख्या ज्यादा होती। विमान ने एडिसन से डलास के लिए उड़ान भरी थी। एडिसन से डलास की उड़ान मात्र 15 मिनट की है। और इसी के साथ 5W1H में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी हैं। आप रहिए जी न्यूज़ के साथ।